पतंग उसकी देखो खराब लग रही है मुझे, ये मैंने खींची उसकी पतंग ने देखो पूरा राउंड बना दिया, तब भी हमने पतंग काट दी है। काफी लंबी निकाल रखी मैंने पतंग अपनी, ये ले गया एक ही रुक में, मैंने अंदर की खींच दी और कट गई भाई उसकी वाली पतंग। उसने गलती क्या करी यहाँ पे बताता हूँ आपको। फिर से नीचे का पेज चल रहा है हमारा, हवा हल्की है जैसे पहले थी शुरू में, ये अंदर की खींच दी मैंने, ये काट दी भाई देखो अंदर की खींचते हुए ले गया पतंग काट दी हमने। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल काइटलर ऑफिशियल। तो भाई देखो आज फिर से हम पतंगबाजी करने लगे क्योंकि आज थोड़ी सी हवा निकल आई थी, काफ़ी दिनों से हवा नहीं चल रही थी लेकिन आज काफ़ी दिनों के बाद हवा थोड़ी बहुत निकल के आई है। तो अभी देखो ये वाली पतंग पार करेंगे और ये पौनी से भी बड़ा साइज है भाई पतंग का, मतलब पौनी से भी थोड़ा बड़ा साइज है पतंग का, काफ़ी भारी ये पतंग है। और इस पतंग के लिए हम जो मांझा यूज करेंगे वो करेंगे भाई ये ग्रीन वाला, और ये जो मांझा है ना ये मैं कभी कभार ही यूज करता हूँ, इसीलिए देखो ये ज़्यादा ख़त्म भी नहीं होता मेरा, मैं ऐसे ही 10-15 दिन में कभी कभार इस मांझे को यूज करता हूँ जब मैं कभी बड़ी पतंग उड़ाता हूँ भारी पतंग। और अगर ये वाली पतंग कटती है तो उसके बाद हमारी मंजोली पतंगें भी तैयार रखी हमने क्योंकि आज पतंगबाजी हमें करनी है यार शाम तक, हवा काफ़ी दिनों के निकल के आई है इसलिए मैंने देखो कन्ने बांध के रख ली और पतंग मैंने डेढ़ कन्नी बना ली है। ये देखो तीन कन्ने, इसमें एक कन्ना ये रहा, डेढ़ कन्नी में देखो तीन कन्ने होते हैं पहले ही मैंने आपको दिखा रखा है, एक कन्ना ये रहा उसके बाद दो कन्ने नीचे रहे। तो अभी इस पतंग को भी उड़ाएंगे लेकिन पहले अपनी पौनी जो पतंग है ना एकदम फुल साइज पौनी उसको उड़ाते हैं, और अगर ये कटती है उसके बाद इन पतंगों को उड़ा के आपको दिखाते हैं। अब देखो हवा कैसी है मैं आपको बता दूँ, हवा अच्छी चल रही है लेकिन हवा ऐसी है कि हवा ना थोड़ी ऊपर है, जैसे मीठी हवा होती है ना तो आज मीठी हवा चल रही है, अभी दिन में काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी लेकिन शाम होते होते हवा हल्की पड़ जाती है, आप लोग को ही पता होगा पछयाओ शाम होते होते हल्का पड़ जाता है और कभी कभार निकल के भी आ जाता है लेकिन आज थोड़ा हल्की पड़ गई है हवा। नीचे आपको ऐसा लगेगा कि हवा नहीं है, जैसे कि पतंग पार होने थोड़ी बहुत दिक्कत करेगी लेकिन जैसे ही पतंग हवा में जाएगी पतंग को हवा लगती रहेगी। और पीछे से भी पेज लड़ रहे थे, देखो एक पतंग कट के आ रही है अभी आपको स्क्रीन में दिखेगी, सामने देखो वो पतंग कट के जा रही है तो पीछे से ही पतंगबाजी हो रही है अच्छी खासी। ये आ गया देखो हमारा पहला पेज, तो सामने जो आपको पतंग दिख रही होगी रेड सर्किल के अंदर ये मेरी पतंग रही, मैं नीचे से उड़ा रहा हूँ, और ब्लू सर्किल के अंदर हमारे अपोनेंट की पतंग रही। अब पतंग आप देख सकते हैं कितनी ख़राब उसकी पतंग है, पूरी राउंड है, तो इसके लिए मुझे थोड़ा झोल में जाना पड़ेगा क्योंकि राउंड पतंग के ना आप झोल में जाया करो, अगर आप एकदम मुँह के पास रख दोगे तो आपकी पतंग कटने के ज़्यादा चांसेज हैं। ये गया झोल के पास, ये खींची मैंने काट दी भाई क्योंकि झोल में ना इतना दम नहीं होता है, झोल आप काट सकते हो राउंड पतंगों का लेकिन राउंड पतंगे अगर आप मुंह के पास लड़ाओगे तो वो आपकी पतंग आसानी से काट देंगी। पतंग वैसे भी हमारी काफ़ी भारी है तो यहाँ पे हमने पहला पेच काट दिया। एक और बंदा हमसे लड़ाने आ गया, जो पतंग सामने दिख रही है ये मेरी पतंग है, ये देखो रेड रेड वाली मांगदार है रेड कलर की, आपको दिख रही होगी सामने, मुझे रेड सर्किल करने की ज़रूरत नहीं है। और जो हमारा अपोनेंट है देखो ऊपर से आ रखा है, उसने अपनी पतंग चढ़ा ली है तो मैंने भी अपनी पतंग हवा में कर ली, ये देखो आ गया है, सद्दी काटना चाह रहा है वो हमारी, देखो कितनी छोटी कर ली है उसने पतंग, फिर भाग गया, ये देखो फिर आया, ये बच गया भाई बच गया, थोड़ा मेरी पतंग में झोल ज़्यादा है इसलिए डोर नहीं मिल पाई वरना उसकी पतंग यहाँ पे मैं काट देता। तो ये जो बंदा यार काफ़ी परेशान कर रहा है, बार बार पतंग नीचे पटकता फिर उठा लेता है, दोबारा से देखो पटकी ने ले गया बाहर का रुक में ले गया, एक ही रुक में मैंने अंदर की खींच दी काट दी। तो यहाँ पे देखो उससे गलती किया, वो काफ़ी ऊपर से ही मुझे दिखाता हुआ ले आया था कि वो बाहर की खींचेगा और मैंने एंड टाइम में अंदर की दिखा के ये वाली पतंग भी काट दी। हवा हल्की है लेकिन सही है। ये रहा भाई तीसरा पेज हमारा, और हमारी पतंग देखो रेड सर्किल के अंदर आपको दिखी जाएगी, रेड कलर की पतंग रही मैं नीचे से उड़ा रहा हूँ और ब्लू सर्किल के अंदर हमारे अपोनेंट की पतंग रही ऊपर से है, ये इसने उतारा, मैंने अंदर की खींची ये वाली भी, और सेम पेज मैंने इससे पहले वाला जो पेज काटा था सेम वैसी पेज काटा, अब की बारी बंदा थोड़ी मेरे हाथ के रफ का गद्दा मार रहा था लेकिन तब भी ये कट गया, देखो ये कोई दूसरा बंदा था वो बंदा दूसरा था लेकिन पेज सेम लड़ाया है। अब हमने अपने लेफ्ट में काफ़ी ज़्यादा पतंगें काट दी हैं दो तीन, तो अब हम राइट में आ गए, देखो रेड वाली मेरी पतंग है मैं नीचे से उड़ा रहा हूँ और ऊपर से एक पट्टेदार पतंग लड़ रही है, देखो वाइट कलर की उसमें मांग पड़ी है, ये अंदर की खींच दी मैंने, देखो भाई ये पतंग भी काट दी,
तीन पेज सेम मैंने अंदर की खींच के काटे और तीनों बंदे अलग अलग थे, बंदे सेम नहीं है, बंदे तीनों अलग अलग हैं। अगर मैं सेम बंदे के ऊपर ये पेज उड़ाता तो मेरा पेज कट जाता। पीछे से भी देखो काइट फाइटिंग हो रही है अच्छी खासी, देखो ये पतंगे कट के जा रही है। मैंने शुरू में भी आपको दिखाया था एक पतंग ये कट के जा रही है, पौनी है, और ये बंदा उसे लपेटने की कोशिश कर रहा है। जैसा कि आपने देखा मैंने तीन पतंगे काटी हैं, तो तीनों पेज देखो मैंने अंदर के खींची, लेकिन आपको क्या करना है सेम बंदे के ऊपर तीनों पेज सेम नहीं लड़ाने, वरना वो बंदा समझ जाएगा और आपकी पतंग कट सकती है। फिलहाल अभी कोई लड़ाने वाला हमें मिल नहीं रहा, तो हमारी पतंग देखो आसमान में ये खड़ी है और मांझा मैंने हाथ में रखा ताकि कोई बंदा काट ना पाए हमारी पतंग सद्दी से। ये देखो ये मांझा रहा, हवा अच्छी है, देखो पतंग आराम से खड़ी है आसमान में। तो जैसे ही कोई बंदर आने वाला आता है मैं आपको दिखाता हूँ हमारी पतंग कहाँ रही। ये रही, ये हमारा पांचवा पेज लड़ रहा। देखो अभी हमने इससे चार पतंग काट रखी हैं, रेड वाली मेरी पतंग नहीं, मैं नीचे से उड़ा रहा हूँ, और ब्लैक वाली हमारे अपोनेंट की रही, वो ऊपर से है और राइट साइड से उड़ा रहा है वो। ये देखो अगर ये वाला पेज आप ध्यान से देखोगे तो आप देखोगे मैंने हल्की हल्की पतंग अपनी खड़ी करी और जहाँ मुझे मौका मिला मैंने वहीं पर ही सीधी खींच के काट दी। हमारे अपोनेंट ने लेट कर दी, वो समझ ही नहीं पाया कि मैं क्या करूँगा, और इस चक्कर में उसकी ये वाला पेज भी कट गया। ये देखो छठा पेज था भाई, अपने इससे पांच पतंगें काट रखी हैं और एक और बंदा थोड़ा आने आ गया। रेड वाली मेरी पतंगें नीचे से हूँ और ब्लैक वाली हमारे अपोनेंट की रही। पतंग काफ़ी भारी है हमारी, तब भी नीचे से उड़ा रहा हूँ मैं, ऊपर से ही और अच्छा काम करती। भारी पतंग देखो ऊपर से काफ़ी अच्छा काम करती हैं, लेकिन नीचे से भी अपने भाई काफ़ी पतंगें काट रखी हैं पांच। छठा पेज लड़ रहा है हमारा। ये देखो अब इस वाले पेज में गलती क्या हुई, मैंने एकदम पतंग सीधी खड़ी कर दी थी पहले ही, और उस बंदे ने एकदम खड़ी डोर पे गद्दा मारा है तो उसकी पतंग कट गई है। अगर वो थोड़ा बाहर का निकलता हुआ मारता तो हमारी पतंग यहाँ पर कट जाती। अब देखो यार आज की वीडियो मैंने काफ़ी ज़्यादा पतंगें काट के आपको दिखाई हैं, छह पतंगें काट दी हैं, इसे लाइक जरूर कर देना। और यहाँ पे हमारा सातवां पेज लड़ रहा है, तो देखो रेड सर्किल की ना मेरी पतंग भी मैं नीचे से लड़ा रहा हूँ, और ब्लू सर्किल की ना हमारे अपोनेंट की पतंग है वो ऊपर से है। देखते हैं इस वाले पेज में क्या होता है, सात पतंगें हम काट पाते हैं कि नहीं। ये मैंने सीधी खींची है और देखो हमारे अपोनेंट ने काफ़ी समझदारी वाला पेज लड़ाया है। मैंने सीधी खींची तो उसने गद्दा नहीं मारा, उसने बाहर का रुक लेते वो पतंग निकला और उसकी पतंग भी थोड़ी ऊपर को उड़ गई, थोड़ा डबल का पेज बना था और इस चक्कर में हमारा ये वाला पेज कट गया सातवा। तो दोस्तों बस यहीं तक थी आज की वीडियो, और देखो हमने काफ़ी पतंगें काटी आज, हमने पूरी छह पतंगें काटी, फिर सत्ते में हमारी पतंग कट गई। कोई नहीं यार, तब भी अच्छी खासी पतंगबाजी कर ली, आप लोगों ने भी पेज में कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना पतंगबाज दोस्तों में, और नेक्स्ट वीडियो शायद मांझा रिव्यू के ऊपर आ जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।